कोरोनारु प्राण हर व्यक्ति पर सहायता मामलें सुप्रीमकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय मृतकों पर अनुकंपा राशि परिमाण स्थिर और मार्गदर्शिका प्रस्तुत नहीं केन्द्र सरकार को छह सप्ताह समय देते सुप्रीमकोर्ट कोविड मृत्यु घटन पर लोकं चार लक्ष लेखाएं अनुकंपा राशि प्रदान नहीं केन्द्र को निर्देश देवा संपर्कित मामलार शुणी बेले राय देते जस्टिस अशोक भूषण अध्यक्षत गठित तीन जनीया खंडपीठ निर्धारित समय मध्य जमी कोविड मृत्यु सहायता राशि प्रदान करा सुनिश्चित करने जातीय विपर्य परिचालना कर्तृपक्ष को निर्देश देते कोर्ट यह मामलें पूर्व केन्द्र पक्षर् 183 पृष्ठार सत्यपाठ दाखल कोविड मृत्यु क्षतिपूरण दे विपर्य परिचालना पांठि शेष हो तेरे केन्द्र युक्ति को सुप्रीमकोर्ट खारज कर एजाए कोविड रे 3,90,000 लोकों जीवन जाता बेले एवं आहरी अनेक मृतकों ना तालिकाभुक्त हो अभियोग होई। हमारी ये दलील थी कि सरकार का इस तरीके से एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को मना करना टोटली इलीगल है, कानून के अंतर्गत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है और ये सरकार की मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी है। आज सरकार को ये भारत की उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देकर डायरेक्ट करा है कि ऐसी स्कीम को 6 वीक के अंतर्गत लाएं और साथ में ये भी डायरेक्ट करा है कि एक नेशनल इंश्योरेंस स्कीम पर विचार करें जिससे कि सरकार के ऊपर ऐसा कभी आगे एक इस तरीके से फाइनेंशियल बर्डन ना आए और सरकार प्रीमियम देके, क्योंकि ऐसे केसेस में सरकार प्रीमियम देके लोगों को इंश्योरेंस कंपनी के तहत एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दिया जा सकता है, तो इस चीज पे भी सरकार को डायरेक्ट करा गया है। कोविड संक्रमण के दौरान लोगों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि उन लोगों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को ये कहा कि ऐसे परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार 6 महीने के भीतर एक गाइडलाइन बनाए और उस गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ये तय करे कि ऐसे परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि दी जा सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने ये कहा था कि ऐसी कोई भी अनुग्रह राशि देने के लिए केंद्र सरकार के पास अभी कोई नियम नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को नहीं माना, वहीं केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इस मामले में कहा कि जिस तरह इस पूरे प्रकरण में काम करना चाहिए NDMA ने वो काम नहीं किया और उनके द्वारा किए गए काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र सरकार ऐसे परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि जिन लोगों की कोविड के कारण मौत हुई है उनके परिवार वालों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सरकार कोई आसान सी गाइडलाइन बनाए ताकि उन परिवारों को डेथ सर्टिफिकेट लेने में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।